आज मैं आपके लिए काफ़ी अच्छा डिश बनाने वाली हूँ, विच इज़ अ रियली हार्टी सूप. इट्स वेरी वॉर्म एंड एवरीबडी लव्स इट. ट्रस्ट मी, मैंने बहुत बार बनाया है एंड ऑल माई फ्रेंड्स एंड फैमिली लव इट. सो इसके लिए हमें काफ़ी इन्ग्रीडियंट्स चाहिए बिकॉज वी हैव टू बिल्ड द फ्लेवर्स. सो इट्स जस्ट अ सिंपल टमेटो सूप विच वी आर फ्लेवरिंग विथ रोस्टेड बेल पेपर. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ बाय बॉइलिंग ऑफ सम टमेटोज. एक बर्तन में हम पानी ले लेंगे और उसे बॉइल करेंगे. मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालने वाली हूँ, जस्ट इनफ टू बॉइल द टमेटोज. एंड जो पानी है मैं वही पानी यूज़ करूँगी सूप को थोड़ा थिन डाउन करने के लिए. हम यूज़ करेंगे सिर्फ दो टमेटोज और इसे डालने से पहले हल्का सा स्लिट करना पड़ेगा ताकि इसका स्किन ईजिली निकल आए. आप टमेटोज के बेस पर एक सिंपल सा एक्स मार्क कर दें, जस्ट इनफ टू गो थ्रू द फ्लैश बट नॉट डीप इनफ कि पानी इसके अंदर भर जाए. एंड जस्ट प्लेस द टमेटोज इन बॉइलिंग वाटर. अब इसे ढककर हम इसे बॉईल होने देंगे. टमेटोज कुक हो रहे हैं, लेट्स जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग द बेल पेपर. नाउ बेल पेपर हैज़ टू बी कुक्ड ऑन एन ओपन फ्लेम. जैसे बैंगन हम भरते के लिए तैयार करते हैं वैसे ही हम बेल पेपर्स को ट्रीट करेंगे. ऑल वी हैव टू डू इज चार द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बेल पेपर एंड उसे हम स्मोक करेंगे दैट वे. सो उसका फ्लेवर और भी स्मोकी हो जाता है और थोड़ा स्वीटनेस भी आ जाता है उसमें. जस्ट बी केयरफुल, आप डायरेक्टली फ्लेम पर कुक कर रहे हैं सो मेक श्योर यू यूज सम टोंग्स. जस्ट बी वेरी केयरफुल जब भी आप इसे रोस्ट कर रहे हैं, इट हैज टू ब्लिस्टर. अगर काला हो जाए तो डरिएगा मत, ये जल नहीं रहा है, सिर्फ इसका स्किन जल रहा है. ये टेक्निक से हम इसका स्किन निकाल पाते हैं इजीली एंड वी आर जस्ट यूजिंग द स्वीट स्वीट फ्लैश दैट विल बी लेफ्ट बिहाइंड. So while that is happening, I will just fill up a bowl with water, thanda pani. We need this water taki jab ye completely char ho jaye, iska skin nikalne ke liye hum pani mein immerse kar lenge and iska skin nikalne mein aur bhi easy ho jata hai fir. So ye completely char ho chuka hai. I'm just taking it off the heat and pani mein immerse kar lungi. Our tomatoes are also looking good. Let's just take a look at it. मैं जिस पानी में सूप बनाने वाली हूँ ये वही पानी है. I do not want to discard it. I'm going to retain this water. Okay, we can take it off the heat now. आप एक लेडल या एक स्लॉटेड स्पून लेकर इसे निकाल सकते हैं. इसे फ्लेवर करने के लिए आप ज़्यादा मसाला ना डालें, इसमें चाहे तो हर्ब्स डालिएगा. जितने हर्ब्स डालें और भी अच्छे होंगे, जैसे रोजमेरी, मैं तो बेजल डालने वाली हूँ लेकिन रोजमेरी इज ऑल्सो वेरी डिलिशियस एंड टेस्ट एब्सोल्युटली लवली. ये पानी को मैं साइड में रख लूँगी एंड आई वर्क ऑन माई कैप्सिकम राइट नाउ. इफ यू टेक अ लुक एट दिस, इसका स्किन ईजिली पील ऑफ हो रहा है. आप ऐसे करके इसे स्टफ भी कर सकते हैं. जस्ट वाइप इट विद अ क्लॉथ. तो हमारा बेल पेपर अब तैयार हो चुका है. नाउ आवर टोमेटोज ऑल्सो लुक रेडी, लेट्स जस्ट पील ऑफ द स्किन. ये बहुत ही इजीली निकल आ जाएंगे सिंस हमने वो स्लिट किया था. इसे हम अब रफली चॉप कर लेंगे. Just get my cutting board. Now tomatoes are rich in vitamin A and are great for your skin. Summertime tomatoes go hand in hand. I mean, if you are suffering from any sunburn, agar aapko sunscreen se allergy hai just like I have, I always rely on tomatoes. It'll help me in protecting my skin against the UV rays of the sun.
तो अगर सनबर्न हो चुका है जस्ट कम होम रब अ लिटिल बिट ऑफ टोमेटो ऑन योर स्किन द सनबर्न एरिया एंड इट विल बी कम्प्लीटली फाइन. नाउ द टोमेटोज आर चॉप्ड, हम इसे कुक करेंगे. तो इसके लिए एक वेसल लेकर आती हूँ मैं. I will just cook our tomatoes in this. Prepare करने के लिए we have to fry up some onions first. इसे हम fry करेंगे थोड़े से olive oil के साथ. Now olive oil, always use light olive oil while cooking. Okay. Now the olive oil seems to be hot enough. इसमें हम अनियंस डालेंगे. अनियंस को अगर आप फाइनली स्लाइस भी ना करें तो इट्स कम्प्लीटली फाइन. इसे हम ब्लेंड वैसे भी करने वाले हैं तो इट विल जस्ट मिक्स अप विद द होल सूप. इसे तब तक कुक करना है जब तक इसका कच्चापन नहीं चला जाता. आवर अनियंस लुक ब्राउन इनफ राइट नाउ. हम इसमें अब टमेटोज डाल देंगे. अब इसमें थोड़ा सा नमक, जरा सा डालिएगा. 1.5 चिकन स्टॉक क्यूब डाल देंगे इसमें. आई लाइक यूजिंग चिकन स्टॉक क्यूब बट इफ यू आर अ वेजिटेरियन आप वेजिटेबल स्टॉक क्यूब भी यूज कर सकते हैं. ओके, दिस सीम्स टू बी डन राइट नाउ. अब इसमें हम बेल पेपर्स डाल देंगे. सो जस्ट लोअर द हीट and let it stay for a while. Bell peppers को prepare करेंगे हम. अब इसे prepare करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं. We just have to remove the seeds and the stalk. और इसे ऐसे ही roughly tear up करके हमारे tomato onion mixture में डाल देंगे. Tomatoes help make your skin glow. So does capsicum. अब इसमें हम थोड़ा सा sugar डाल देंगे. हम शुगर इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि टमेटोज थोड़े खट्टे होते हैं एंड वी जस्ट वांट टू बैलेंस आउट द फ्लेवर. थोड़ा सा पेपर. इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे. अब जो पानी हमने यूज किया था टोमेटोज बॉईल करने के लिए वही पानी इसमें डाल सकते हैं. ट्राई एडिंग अ लिटिल वाटर एट द टाइम. आपको कंसिस्टेंसी चेक करना होगा इसका. सूप अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. ऑल वी हैव टू डू इज ब्लेंड इट विद अ हैंड ब्लेंडर. इफ यू डोंट हैव अ हैंड ब्लेंडर यू कैन जस्ट वेट फॉर इट टू कूल डाउन अ लिटिल और रेगुलर ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं. जस्ट बी वेरी केयरफुल. अब हमारा सूप रेडी हो चुका है. लुक्स रियली नाइस एंड क्रीमी और इसमें हमने क्रीम बिल्कुल ऐड नहीं किया है. इट्स लाइक अ ब्यूटी इन अ बोल. ग्रेट फॉर योर स्किन, ग्रेट फॉर योर हेयर, ग्रेट फॉर योर हेल्थ ओवरऑल. अब इसे और जरा डिलिशियस बनाने के लिए हम गार्निश करेंगे बेजल लीव्स के साथ एंड थोड़े योगर्ट के साथ. विल ऐड सम बेसिल लीव्स. इफ यू हैव फ्रेश बेसिल लीव्स इट्स परफेक्ट बट राइट नाउ आई हैव ड्राइड. ये थोड़ा क्रीमी लग रहा है बिकॉज ऑफ द बेल पेपर्स एंड द अनियंस
The redness just disappears a little bit, but it's completely fine. Zara sa yogurt. Low fat use kijiyega because we are on a zero calorie diet, right? Just a little bit to make it look nice. और इसे एक फोक से ट्वर्ल कर देंगे। There we have it. This is my beauty in a bowl, my roasted tomato and bell pepper soup. I love this dish myself, so I'm pretty sure आपकी family and friends को बहुत पसंद आएगा।